बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर साल टेस्ट होता है और उसके बाद आपको तीन तरह के स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। एक स्टूडेंट होगा जो कहेगा कि टेस्ट बहुत ही आसान आया था, और मोस्टली जो होंगे वो कहेंगे कि टेस्ट मुश्किल है, और कुछ होंगे जो कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो कौन इसमें से सच बोलता है? क्या वाकई टेस्ट मुश्किल होता है, क्या टेस्ट आसान होता है, या आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं? अगर आप मेरे से पूछो तो मैं कहूँगा कि तीनों अपनी जगह दुरुस्त है। अगर हम सबसे पहले बात करें जो कह रहा है कि टेस्ट ईजी है, उसके लिए ईजी क्यों है? ईजी इस तरह से है कि उसने पंजाब की टेक्स्ट बुक पढ़ी, फेडरल की पढ़ी, और उसको कॉन्सेप्ट अच्छा है उसका। उसको पता है कि अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसने उसको किस तरह से हैंडल करना है, या किस तरह से सॉल्व करना है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उस स्टूडेंट की जो कह रहा है कि टेस्ट मुश्किल है, वो टेस्ट किस तरह से मुश्किल है? उसने सिर्फ फोकस रखा एक बुक को। अब जब हम कहते हैं कि पंजाब की टेक्स्ट बुक और फेडरल की बुक आपने दोनों पढ़नी है, तो मतलब दोनों पढ़नी है। उसने अगर पढ़ी है सिर्फ पंजाब की टेक्स्ट बुक, समझ रहा है कि चार पांच क्वेश्चन फेडरल से आएंगे और वो उसे कर लेगा। जो फेडरल में जो लिखा है वो काफ़ी डिफरेंट है थोड़ा, यानी कि उसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है मेरे ख्याल से। सो उस लिहाज से उसने सिर्फ पंजाब की टेक्स्ट बुक को पढ़ा, और जब क्वेश्चन फेडरल की बुक से आए तो वो उसे सॉल्व नहीं कर सका, और यूँ इसलिए वो टेस्ट मुश्किल बन गया। और जो तीसरी कैटेगरी है आउट ऑफ सिलेबस वालों की, तो आउट ऑफ सिलेबस इस तरह से हैं कि वो भी उन्होंने पंजाब की टेक्स्ट बुक पढ़ी या फेडरल भी चलो पढ़ी, लेकिन जो क्वेश्चन थे कुछ वो मैं कहूँगा कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं, हम बोलेंगे हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ बुक थे, यानी कि वो पंजाब की टेक्स्ट बुक से नहीं थे, वो केपीके की बुक से आ गए इस तरह से उनसे, और उनका उनमें कंसेप्ट नहीं था, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सके। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं हर टेस्ट में तीन से चार जो आउट ऑफ सिलेबस भी होते हैं, तो वो तो अगर हम साइड पर कर दें फिर भी आपके पास 206 या 5 एमसीक्यूज हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, उनमें से आपने 180 नंबर लेने हैं। सो ये अब आपने खुद सोचना है कि आप किसने क्या गलती की है। अगर आप मेरे से पूछो मैं यही कहूँगा जो कह रहे हैं कि टेस्ट मुश्किल है वो अपना कॉन्सेप्ट बेहतर करें, और सिर्फ पंजाब की बुक ना पढ़ें बल्कि फेडरल की बुक भी अच्छे से पढ़ें। दूसरी कैटेगरी है जो ईजी है उनका तो वैसे ही साल एडमिशन हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी जो कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, वो भी कोशिश करें कि जो पंजाब और फेडरल की बुक अच्छे से पढ़ें, और इसके अलावा अपना कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा करें। और मैं रिपीटर और रिफ्रेशर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात करूँगा कि जो रिपीटर होता है ना उसे एक्सपेक्टेड का पता होता है कि उसके इतने से लेकर इतने मार्क्स आ सकते हैं, और जो लेकिन जो इस साल पेपर हुआ उसमें मुझे भी लगता है कि पीएमसी की थोड़ी बहुत गलती भी थी, और जितने स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने नंबर नहीं आए, उनसे बहुत कम नंबर आए। लेकिन होता जो लेकिन जो फ्रेशर के साथ है वो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, लेकिन उनके उतने ज़्यादा नंबर नहीं आते। मैंने भी जब फ्रेशर था तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था नंबर, मैं अपने 1000 से ज़्यादा नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था जब मैंने टेस्ट देख आया, लेकिन जब मैंने की चेक की तो मेरे 938 नंबर थे। यानी कि एक ओवर कॉन्फिडेंट होता है फ्रेशर, और फ्रेशर में सिर्फ वही अच्छे नंबर लेते हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिनका कॉन्सेप्ट है जिन्होंने बुक अच्छे से पढ़ी होती है, और जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं। सो आपने कोशिश करनी है अपने आप को इस साल चेंज करना है, जो आपने गलतियाँ लास्ट ईयर की हैं उनसे सीखना है, और वो मेहनत करनी है। बाकी अल्लाह ताला पर यकीन रखो, अपने आप पर यकीन रखो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज़।